सीएससी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज हम जानने वाले हैं कि जितने भी सीएससी वीएलई हैं उन सभी को अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करेंगे तो आपकी जो सीएससी आईडी है वो डीएक्टिव हो जाएंगी। तो जितने भी सीएससी वीएलई हैं उन सभी को अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। एक बार आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद सफलतापूर्वक आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका अप्रूव हो गया, आपने प्रिंटआउट निकाल दी, तो उसके बाद दोस्तों आपको अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपनी सीएससी प्रोफाइल के अंदर अपडेट करना होता है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो भी आपकी सीएससी आईडी है वो डीएक्टिव हो जाएंगी। तो किस प्रकार से अपनी सीएससी की प्रोफाइल के अंदर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपडेट करेंगे तो वही जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप अपने सीएससी पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको अपने प्रोफाइल पे जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पे सेकंड लास्ट प्रोफाइल का ऑप्शन है और यहाँ पे माय प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अंत में उद्यम रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर हैं वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे दर्ज करने के बाद आपके जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ जो मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक है वो आप नीचे डाल देंगे। उसके बाद चेक पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके सीएससी प्रोफाइल के अंदर अपडेट हो जाएंगे। तो मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखे, फिर मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जांच कर लूँगा नंबर सही है या फिर नहीं। उसके बाद मैं चेक पे क्लिक करूँगा और जैसे ही दोस्तों मैं चेक पे क्लिक करूँगा यहाँ सक्सेसफुली लिंक हो जाता है बड़े ही आसानी से। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बिन अपडेटेड सक्सेसफुली और आपके जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो आपके सीएससी प्रोफाइल के साथ लिंक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका था उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को सीएससी प्रोफाइल के अंदर अपडेट करने का, बड़ा ही आसान और शॉर्ट तरीका है, मैंने आपको बता दिया है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।